बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में जी मैं आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है वो इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा। जैसे कि आपको पता है कि ब्रीडिंग सीजन स्टार्ट हो चुका है और बहुत से भाइयों के पास जो है वो ब्रीड आ चुकी है, चिक्स निकलना शुरू हो गए हैं, लेकिन साथ ही उन्हें एक मसला जो है वो उसका सामना करना पड़ रहा है कि उनके पास जो चिक्स हैं वो एक्सपायर होना शुरू हो गए हैं। कोई आजकल सोशल मीडिया पे भाई जो है वो पोस्ट लगा रहे हैं कि हमारे जो चिक्स हैं लव बर्ड्स के या किसी भी बर्ड्स के, वो एक दिन का चिक्स होता है तो वो एक्सपायर हो जाता है, या दो दिन का या तीन दिन का, यानी कि उन्हें जो चिक्स की मोर्टेलिटी है वो फेस करनी पड़ रही है। इसकी जो है वो मल्टीपल जो है वो रीज़न्स हो सकती हैं, जिनमें से एक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रीज़न जो है वो आपके साथ शेयर करूँगा। लेकिन एक उसके ऊपर रीज़न्स के ऊपर जो मुख्तलिफ वजूहत हैं उनके ऊपर भी एक प्रॉपर वीडियो बना के अपलोड करूँगा, लेकिन आज मैं सिर्फ एक जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट रीज़न है वो उसके बारे में आपको जो है वो बताऊँगा। लेकिन अक्सर क्या होता है कि हम जिस बात को बहुत ही मामूली या नॉर्मल समझते होते हैं, वो क्या होता है कि सबसे ज़्यादा नुकसान वही हमारे बर्ड्स के चिक्स को वही नुकसान पहुँचा रही होती है। तो क्या है, आज की वीडियो में जो है मैं मोरिंगा के बारे में आपको बताऊंगा। हम अपने लव बर्ड्स को जो है वो या दूसरे किसी भी बर्ड्स को मुख्तलिफ डाइट जो है वो उनको देते हैं खाने के लिए, जिनमें हम सॉफ्ट सीड देते हैं, उनको सॉफ्ट फूड देते हैं जिसमें मुख्तलिफ जो है वो वेजिटेबल्स इस्तेमाल करते हैं, तो उन्हीं में मुख्तलिफ सप्लीमेंट्स जो है वो इस्तेमाल करते हैं, जिनमें से एक सप्लीमेंट मोरिंगा है जिसका पाउडर हम सॉफ्ट फूड के ऊपर जो डाल के उनको हम देते हैं। तो मोरिंगा के जो है वो पाउडर वो मार्केट में मुख्तलिफ ब्रांड नेम्स के साथ के नाम से जो है वो मिलता है, मुख्तलिफ कंपनीज का मोरिंगा का पाउडर मिलता है। लेकिन सबसे मेन और बड़ी जो रीज़न होती है वो हमें पता नहीं होता कि वो वाकई जो है वो मोरिंगा का पाउडर है भी या नहीं भी, क्योंकि हमें नहीं पता कि उसमें उन्होंने किस चीज़ के पत्ते जो है वो ग्राइंड किए हुए हैं और किस चीज़ के पत्ते उन्होंने वाकई उसमें मोरिंगा के पत्ते हैं भी कि नहीं हैं। तो इसलिए आज की वीडियो जो है वो आपके साथ मोरिंगा के हवाले से शेयर करूँगा, क्योंकि जो भी हम मोरिंगा का जो पाउडर इस्तेमाल करते हैं उसके बेशुमार फ़ायदे हैं। अगर आप गूगल करें तो मोरिंगा के ऊपर जो है वो बेशुमार पेपर जो हैं वो रिसर्च पेपर पब्लिश हो चुके हैं। इसमें मुख्तलिफ बहुत से किस्म के जो हैं वो विटामिन्स पाए जाते हैं, इसमें कैल्शियम पाया जाता है, इसमें और फास्फोरस है, बेशुमार इसमें तकरीबन 90 किस्म के जो हैं वो विटामिन्स पाए जाते हैं, जिनका जो बर्ड्स को है वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो क्या होता है कि हम जब भी जो बाज़ार से हम मोरिंगा का पाउडर लेके आते हैं, बाज़ अवकात उसमें हो सकता है कि उन्होंने कोई ऐसे पत्ते शामिल किए हों जिसमें वो टॉक्सिन हो, यानी कि उसमें वो जहर हो, जिसकी वजह से बर्ड्स का, एक बात मैं ज़रा आपको वाजा कर दूँ, लव बर्ड्स के चिक्स का डाइजेस्टिव सिस्टम बिना किसी वजह के कभी भी जो है वो ख़राब नहीं होता। उनकी जो डाइजेशन सिस्टम है हमेशा तभी ख़राब होगा जब उन्हें खाने में कोई ऐसी चीज़ मिले जिसमें वो टॉक्सिन पाया जाए, यानी कि जहर पाया जाए। तो इसमें एक मेन बड़ी वजह ये भी होती है कि हम जो मोरिंगा का पाउडर दे रहे होते हैं, हमें नहीं पता कि उसमें मोरिंगा के पत्ते हैं भी या नहीं है। तो स्क्रीन पे मैं आपको साथ साथ ये भी दिखा रहा हूँ कि इसमें जो है वो जो मैंने एक स्क्रीन पे आपको दिखा रहा हूँ जो पाउडर एक बाज़ार से लिया था और एक जो है वो मैंने खुद घर पर तैयार किया है, तो इसका भी तरीकाकार आपको बताऊँगा कि किस तरह से आपने जो मोरिंगा का पाउडर है वो तैयार करना है। तो सबसे पहले तो है ये है कि जो भी आपने चीज़ अपने लव बर्ड्स को जो है वो इस्तेमाल करवानी है, चाहे वो सब्ज़ियाँ या सॉफ्ट फूड है या सीड मिक्स है, वो बिल्कुल अच्छी तरह आपने वॉश करना है, उसको अच्छी तरह से तैयार करना है, फिर उसके बाद इस्तेमाल करवाना है, क्योंकि जब भी आप खाने में उनको कोई गंदी चीज़ देंगे तभी उनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है तभी ख़राब होगा। तो इसके बाद क्या करना है कि सबसे पहले आपने कोशिश करें कि आप मोरिंगा का पाउडर जो है वो खुद घर पर तैयार करें। ये आपको मेरे पीछे ये क्लोज करके दिखाएं जी, इधर ला के ये आपको मोरिंगा का दरख्त नज़र आ रहा है, इसके आपने क्या करना है, ये आपको घर के पास या नर्सरी से आसानी से इसके पत्ते मिल जाएंगे, आपने इसके पत्ते इस तरीके से तोड़ लेने हैं, इधर क्लोज करके दिखाएंगे, ये देखें ये ऐसे पत्ते आपने तोड़ लेने हैं, ये ऐसे टहनी हैं, और इनको अच्छी तरह से आपने जो है वो वाश कर लेना है, और वाश करने के बाद इनको आपने जो है वो छांव में जो है वो सुखाना है। इनको वाश करने के बाद क्या होगा, वाश करने से क्या फ़ायदा होगा, इसके ऊपर जितनी भी मिट्टी वगैरह होगी ना वो सारी अच्छी तरह वाश हो जाएगी और बिल्कुल ये प्योर फॉर्म में सॉलिड कलर में जो है वो आपके पास मोरिंगा के पत्ते आ जाएंगे। इनको जो है वो तोड़ के जो है वो वाश करने की ज़रूरत नहीं है, आपने ऐसे ही टहनी है जो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, ये टहनियाँ ही ऐसे ही साबित हालत में इनको वाश कर लेना है और इनको अपने छांव में किसी कपड़े के ऊपर ना बिखेर देना, और चार से पाँच दिन के अंदर जो मैक्सिमम ये खुश्क हो जाएंगे उसके बाद ये पत्ते जो है वो खुद ही इसमें इन टहनियों से ना अलग हो जाएंगे। इसके अलावा मज़ीद एक दो दिन आप इनको खुश करके तो आपने इनको जो है वो अच्छी तरह से इनको ग्राइंड कर लेना है और इसका जो है वो पाउडर तैयार कर लेना है। आप खुद आप इसका आइडिया लगाएंगे कि जो आप खुद पाउडर इसका तैयार करेंगे वो बिल्कुल सॉलिड ग्रीन कलर में होगा और उसके जो जो बाज़ार से होता है उसके और इस जो आप खुद तैयार करेंगे उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। अच्छा, इसमें आपने करना क्या है कि ये मैं स्क्रीन पे आपको दिखा भी रहा हूँ,
एक पाउडर जो है वो मैंने खुद तैयार किया हुआ है जो सॉलिड ग्रीन कलर का है, और दूसरा पाउडर जो है वो मैंने बाजार से लिया था लास्ट ईयर जब मैंने ये हॉबी स्टार्ट की थी। सबसे पहले मैंने भी ये पहली दफ़ा बाजार से लिया था, लेकिन मैंने ये ऑब्जर्व किया था कि इसकी वजह से जो है वो चिक्स को जो मसला हो रहा है, तो क्योंकि आपको कलर से इसके वाजह पता चल रहा है कि इसमें और उसमें जो खुद तैयार किया उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है, इसलिए आपने एक रीज़न चिक्स की मोर्टेलिटी की ये भी हो सकती है कि जो आप मोरिंगा के नाम पे उनको पाउडर इस्तेमाल करवा रहे होते हैं वो दरअसल मोरिंगा का पाउडर होता ही नहीं है। तो लिहाजा आप ये आज की एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी चिक्स के सर्वाइवल के लिहाज से कि आपके पास जो मोर्टेलिटी आ रही है चिक्स की वो उसकी एक सॉलिड रीज़न ये भी हो सकती है कि इसमें जो मोरिंगा का पाउडर आप इस्तेमाल करवा रहे हैं उसमें किसी किस्म का टॉक्सिन पाया जाए या उसमें किसी किस्म का जहर हो, तो लिहाजा आप थोड़ी सी मेहनत कर लेने से अगर आप बड़े नुकसान से बच सकते हैं तो मेरा ख्याल है ये ज़्यादा बेहतर है कि आप थोड़ी सी मेहनत कर लें। तो लिहाजा आप ये मोरिंगा का पाउडर खुद तैयार करवाएं, उसको पत्ते ला के, कोई मुश्किल काम नहीं है, नर्सरी से ये आपको आसानी से मिल जाएंगे, नर्सरी से ला के खुद इनका इसका पाउडर जो है वो तैयार करवाएँ। इसके अलावा एक और चीज़, बाज़ार से जो मुख्तलिफ ब्रांड नाम से ये मोरिंगा का पाउडर आपको मिल रहा होता है उसमें मेरा नहीं ख्याल कि उसमें जो है वो 50% भी जो मोरिंगा के पत्ते शामिल हों, उसमें मुख्तलिफ किस्म के उन्होंने घास फूस या इधर उधर के पत्ते जो हैं वो शामिल करके ग्राइंड करके रख दिए होते हैं जो कि वो बाज़ार में महंगे कीमत में भी बेच रहे होते हैं। तो इसके अलावा ये थी आज की वीडियो जी मोरिंगा के हवाले से जो कि चिक्स के सर्वाइवल में बहुत ही मदद करता है। अच्छा, कुछ भाई कहते हैं कि अगर उनके चिक्स एक्सपायर कर रहे हों तो वो अगर ऐड लगाएं तो बहुत से भाई जो हैं वो उनको जो है वो मशवरे दे रहे होते हैं कि इनको प्रोबायोटिक्स इस्तेमाल करवाएं, फ़लानी चीज़ इस्तेमाल करवाएं, इस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। आप अपनी ब्लबर्ड्स की डाइट अच्छी करें, साफ़ सुथरी डाइट दें, चिक्स को किसी किस्म के मल्टीविटामिन या महंगे इंपोर्टेड मल्टीविटामिन इस्तेमाल करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इससे क्या होगा कि आपके एक तो इंपॉर्टेंट विटामिन जो है वो इस्तेमाल करवाएंगे तो एक तो जो है वो काफ़ी महंगे आपको मिलेंगे और दूसरे नंबर पे जो है आपके जो चिक्स हैं वो भी उनकी श्योरिटी नहीं है। एक तरफ आप इंपॉर्टेंट जो है वो मल्टीविटामिन या प्रोबायोटिक्स इस्तेमाल करवाते हैं लेकिन आप मोरिंगा का वही बाज़ार वाला पाउडर इस्तेमाल करवाते रहें तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। लिहाजा आप यही बेहतर है कि आप खुद पाउडर तैयार कर लें। इसके अलावा जो है वो हर्बल फार्मूलाज जो हैं जिसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के हर्ब जो हैं वो भी उनका भी जो है वो बाज़ार से रेडीमेड आपको मुख्तलिफ ब्रांड नाम से मिल जाते हैं, वो भी उनके अंदर भी नहीं आपको श्योरिटी के इसके अंदर क्या चीज़ें मिक्स हैं क्या नहीं मिक्स है। इससे हर्बल फार्मूला से रिलेटेड भी जो वीडियो है वो चैनल पर बाकायदा से अपलोड है, जो जो आपने उसके अंदर चीज़ें तकरीबन 15-16 किस्म की उसमें मैंने हर्ब्स कुछ मुख्तलिफ किस्म की जो है वो चीज़ें बताई हुई हैं जो कि आप खुद ला के घर पे पंसार स्टोर से आपको आसानी से सारी चीज़ें मिल जाएंगी, तो खुद तैयार करें। उस वीडियो का लिंक भी जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो वीडियो भी जाके आप लाजमी देखिएगा। तो अगर ये दो चीज़ें आप अगर अपनी ठीक कर लेंगे, खुद इनको ले आकर तैयार करके तो बर्ड्स को इस्तेमाल करवाएंगे तो इंशाल्लाह ताला आपका जो एक भी लव बर्ड का चिक्स है या किसी भी दूसरे बजरीज का है या जावाज का है एक भी चिक्स जो है वो एक्सपायर नहीं होगा। तो ये थी आज की वीडियो जी लव बर्ड के चिक्स के सर्वाइवल रेशो के हवाले से। तो उम्मीद है वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं किसी ऐसे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।